जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाल सुहाना का नवा इलाका है, टोका मुखिया वहाँ पर मौजूद हूँ, और हमारे साथ एक जिम्मेदार मौजूद हैं जो कि हर साल कई मुरब्बों के हिसाब से जो है सूरजमुखी का बीज जो है काश्त करते हैं, सूरजमुखी काश्त करते हैं, क्योंकि सूरजमुखी का जो फूल है इसके बड़े फ़ायदे हैं, तेल बनाया जाता है इससे, तेल जो है उसके माहिर इन बहुत से फ़ायदे बताते हैं। हमारे साथ ये मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि आया कि गवर्नमेंट भी इनके इनको कोई सब्सिडी देती है, इनके साथ कोई तआमुन किया जाता है कि नहीं किया जाता, जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। मैं सूरजमुखी काश्त कर रहा हूँ, जड़े में कड़ानी सब्सिडी जड़े न मिली, ढेर साल थी कि पिछले साल मेरे 15-16 एकड़ मेरे बच्चों दे डा किले मैं काश किते, उन्होंने सब्सिडी नहीं मिली, हूँ असा 25 किले हूँ काश की है, हूँ भी साड़ी सब्सिडी नहीं आई, कोई नहीं देंदे वे भी सब्सिडी का जो तरीका होंगे वो तो आगे दे पूछें दे मैसेज करे ने सर, वो मैसेज तो आदन भाई हाली कोरोना वाली है वाल कोई साकू थोड़े बाते पैसे दो वाल तो कटवा दे कौन पैसे दा कौन आदे वो भी वजरा अफसर आदन भावलपुर जरा था हां वो आदन भाई कोई साकू देओ वाला संडे सुनत वाल कानी आए वाला सा खत्म करवा दे साकू डरावे दे ने डरावे जी बिल्कुल। इन्होंने बताया कि जो है हम जो गवर्नमेंट का तरीका है जिसके जरिए मैसेज करके जो है आला हुकाम तक पहुँचा देंगे हम सूरजमुखी काश्त कर लें, लेकिन उसके बावजूद जो भावलपुर ज़रात के ऑफिसर हैं जो कि सूरजमुखी पर जो उन्होंने मताद किए हुए हैं वो जो है इनको सब्सिडी देने से इनकार कर देते हैं, मज़ीद इनसे पैसों की डिमांड भी करते हैं। आपने सुना है उन्होंने बताया कि पैसों की डिमांड करते हैं, कहते हैं अगर आप हमें कोई ख़र्चा पानी देंगे तो हम आपकी सब्सिडी मंजूर करवाएँगे, वरना जो है ये आपकी सब्सिडी भी रोक देंगे। आप क्या कहेंगे वज़ीर आज़म से कि क्या करें? ओ सही ना को जड़े ना सख्त नाल बतावेन, इन्हें तो कोई कंट्रोल करें, ओ देने एगू खावेन साढ़े जड़े ना अनपढ़ बंदे हैं जट बंदे हैं इतने आने जड़े ना ए काश किते से किते से वाल तुसा डा तू ज्यादा कर दी वाल पांच ज्यादा कर दी वाल तुहाडा हुण ना नहीं आ रहा ते अगा जड़े ना कोरोना पई खड़ी है ये पई खड़ी है साकू मिलदे ने कोई भी रुके ने भी डा एकड़ा ज्यादा तो काश कर दी हां ज्यादा डा एकड़ा तो ज्यादा काश करो वाल तो कोसा 1 रुपया नहीं देने 16 कर दी हुण तो आकू नहीं से देंदे जड़े ना खत्म तो 16 किलो वाइन ना हुण मुश्किल है पैसे नहीं मिलदे पिछु पता करे कोई मिठाई चिटाई सा कुड़े हो। जी बिल्कुल, इनका ये भी कहना है कि वो अफिसरान जो हैं एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है जो ज़रूरी जो काश्तकार हैं उनके साथ तआमुन करें, लेकिन वो जो हैं यहाँ पे भावलपुर ज़रात के ऑफिसर वो इनको ये भी प्रेशराइज़ करते हैं कि 15 एकड़ से ऊपर ये काश्त करें या 10 एकड़ से ऊपर ये काश्त करें तो जो है इनको सब्सिडी हम आपको नहीं देने देंगे, आप ज़्यादा एकड़ काश्त कर देते हैं ये कर देते हैं। तो इन्होंने बुज़ुर्गों ने जो है बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं, यहाँ पर सूरजमुखी काश्त करते हैं, कपास वगैरह तमाम फसलें जो है ये काश्त करते हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म साहब से यही अपील की है, दर्द मंदाना अपील है काश्तकार हैं कि बराए मेहरबानी हमारे साथ तआवुन किया जाए, और ये जो भावलपुर में ज़रात के जो अफिसरान हैं जो इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं ये हम अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, ये काश्तकार हैं हम उनके पास मौजूद हैं उन्होंने बताया, हम इनकी तरफ से तो अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये इनकी जानिब से बताया गया, इनसे उन्होंने आया कि पैसों की डिमांड की होगी तो ये कह रहे हैं ना, तो बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आप इस तरफ तवज्जो दें और जो ये अफिसरान हैं इनके खिलाफ़ फौरी जो है नोटिस लेकर कार्रवाई करें। जी